तो आज की क्लास में हमारा होगा पशुओं की जांच। क्या? पशुओं की जांच। तो जहां लिखा है पशुओं की जांच, तो नीचे देखेंगे वो क्या रहा है, पशुओं की जांच। ये क्या कर रहा है, पशुओं की जांच। तो पशुओं की जांच में हम पशुओं की जांच ही कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर आप देख रहे हैं कि ये पशु की जांच कर रहा है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग पशु की जांच कर रहा है। आपको ये दिख नहीं रहा होगा कि जांच में कर क्या रहा है, वो क्या कर रहा है जांच में, पशु की सांस गिन रहा है। वो जितनी बार पशु सांस बाहर निकालेगा उतनी बार गर्म हवा आएगी। गर्म हवा को काउंट कर लेंगे कि 1 मिनट में कितनी बार आई। सही है, जितनी बार अंदर ली गई होगी उतनी बार बाहर निकाली गई होगी। तो स्वस्थ गाय की 18 से 20 श्वसन गति होती है। तो ये सांस को ज्ञात कर रहा है, ये उसकी नाक और बीमारी टेम्परेचर को, ये स्टेथोस्कोप लगाए तो इससे पशु का टेम्परेचर भी ज्ञात कर सकता है ना। वैसे तो डॉक्टरी थर्मामीटर से इसके धड़कन ज्ञात किया जा सकता है, तो धड़कन के लिए वो लगाए होंगे और कितना है वो उसका स्कोर कार्ड बना लेगा। ठीक है, अब आता है हमारे सामने पशुओं के जांच के उद्देश्य। जांच क्यों करा रहे हैं, जांच कराने से क्या फायदा होगा। सही है, आप एक डेयरी के मैनेजर हैं और आपको डेयरी के मैनेजर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो अब आपको जिम्मेदारी बनती है कि पशु मेरे डेयरी के स्वस्थ रहना चाहिए, कहीं बीमार तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग डॉक्टरों से सलाह लेते रहेंगे समय समय पर। तो हम समय समय पर लेते रहेंगे तो उसके कुछ लाभ भी मिलेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, हम ये उद्देश्य को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आता है पशुओं को जांच के उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या है, जांच के उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर एक, पशु की उम्र ज्ञात करना। तो जांच से ही तो पता लगेगा इसकी उम्र कितनी है। किससे लगेगा, जांच से पता लग जाएगा कि इसकी उम्र कितनी है। ठीक, पशु के स्वास्थ्य का आकलन, उसने उसका टेम्परेचर या श्वसन गति यदि नाप ली है तो उसे ये पता लग जाएगा कि पशु स्वस्थ है। पशु की दुग्ध उत्पादन क्षमता का आकलन, जब पशु स्वस्थ है तो दूध का आकलन पता लग जाएगा कि उतना दे रहा है, या दूध से भी आकलन किया जा सकता है कि स्वस्थ पशु कितना दूध देता है, ये वाला तो उतना दे रहा है। तो किसका आकलन पता लग जाएगा, दुग्ध की उत्पादन की क्षमता का। पशु की कार्य करने की क्षमता, यदि बैल या सांड है तो उसकी कार्य करने की क्षमता, यदि गाय है तो उसके दुग्ध उत्पादन की करने की क्षमता, है ना। पशु के भोजन की क्षमता, स्वस्थ पशु भोजन खूब खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आता है पशु की कीमत या मूल्य का पता। बीमार पशु को कोई नहीं लेगा, स्वस्थ पशु की कीमत अच्छी मानी जाएगी और वह स्वस्थ के रूप में ही बेचा जा सकता है, तो उसकी कीमत भी पता लग जाएगी। तो सिंपल सिंपल से हमारे 6 पॉइंट्स रखे हुए हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि डॉक्टर इस तरह से इसकी क्या कर रहा है, जाँच कर रहा है। इससे ये पता लग जाएगा कि पशु स्वस्थ है। तो हमें 4-5 चीज़ों का ये पता लग जाता है कि हमारा उद्देश्य है कि हम उसके भोजन की बात को समझें, सांस लेने की उसकी बात को समझें, स्वास्थ्य के आकलन की करें कि स्वास्थ्य सही है या बीमार है। तो इसका ये सब बातों का आकलन लग जाता है। एकदम सिंपल से सिंपल बात लिखी हुई है, ठीक है ना। क्या क्या है रिपीट करेंगे, उसकी उम्र ज्ञात की जा सकती है। देखेंगे यार ये पशु तो बूढ़ा है, छोटा है, देख लेंगे इसकी पशु द्वार क्या है, अभी उम्र कम है तो उम्र का आकलन सीधे देख के हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पशुओं के स्वास्थ्य का आकलन, हम उसकी नाड़ी गति देख लेते हैं ना, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो इस तरह से नाड़ी गति। सही है, पशु की दुग्ध उत्पादन क्षमता पता लग जाती है, स्वस्थ है तो दुग्ध उत्पादन क्षमता अच्छी है, यानी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। यदि बैल है या सांड है तो उसके कार्य करने की क्षमता अच्छी मानी जाए। पशु के भोजन राशन खाने का आकलन किया जा सकता है ना। पशु की कीमत या मूल्य को आकलन भी किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सिंपल शब्दों में लिखा है, ये हमारे जांच के उद्देश्य हैं। यदि ये जांच कराएंगे हम लोग तो ये उद्देश्य हमारे पूरे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गुणांकन पत्र या स्कोर कार्ड किसे कहते हैं। तो स्कोर कार्ड के बारे में बताएं आपको, गुणांकन पत्र के बारे में बताएं। जैसे मान लो कहीं 100 नौकरियां निकली हुई है, क्या निकली है, 100 नौकरियां लिखी हुई है, नौकरी की वैकेंसी आई हुई है। अब उसमें 1,000 फॉर्म डल गए, क्या डल गए, 1,000 फॉर्म डल गए। तो अब क्या होगा ऐसी कंडीशन में, अपन लोग 1,000 को में से 100 ही लेना है, तो एक ही रास्ता बचता है कि हम लोग परीक्षा दिलवा लेते हैं 1,000 बच्चों से। 1,000 बच्चों की अनुसूची आएगी, उसे बोलेंगे स्कोर कार्ड। जिसका मस्तिष्क तेज है, जिसको याद ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, उसकी अंक सूची की परसेंटेज ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी तो हम लोग ऊपर के 100
फर्स्ट सेकंड से लेके हम 100 तक की छांट लेंगे और बाकी 99 से 900 से क्या कह देंगे भाई साहब ट्राई अगेन। तो हमने किस बेस पे लिया सिलेक्शन, किस बेस पे लिया, अंक सूची के बेस पर, अर्थात अंक सूची में क्या था, नंबर थे, उसी को ही स्कोर कार्ड गए। अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप एग्जाम देंगे, ट्वेल्थ का एग्जाम देंगे तो क्या आएगा घर पर, स्कोर कार्ड देख के देखेंगे खुश हो जाएंगे, 90% 91% सही है। अब जॉब में कहीं अप्लाई करेंगे तो 90-91% वाले को लेगा या फिर वो 60-70 वाले को लेगा, बताएं 91 वाले को लेगा ना, क्या लेगा 91% 90% वाले को लेगा। ऐसे ही पशु में बॉडी को अंक दिए गए हैं, इसमें बॉडी में अंक सूची तो बना नहीं सकता क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है वो, तो पूरी बॉडी के वैज्ञानिकों ने अंक दे दिए उसके, तो बॉडी में कहां कितने पार्ट्स को क्या अंक मिले हैं उन अंकों को हम देखेंगे, उन अंकों को लेकर के हम लोग मेले में जाएंगे कभी और उससे मिलान करेंगे क्या ये उस जैसा है या नहीं, यदि उस जैसा है तो हम लोग नंबर देते चले जाएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो स्कोर कार्ड पशु का चुनाव करने की विधि है, चुनाव कहां से कर लेंगे, जब हम डेयरी के लिए पशु खरीदने जा रहे हैं, गाय है, भैंस है, बैल है, सांड है, जो भी है हम खरीद के ला रहे हैं, तो किस बेस पे खरीदेंगे, हाथ देख के हथरक के ठीक है मोटा है अच्छा ले ले, ऐसे नहीं लेंगे, उसके बॉडी के पार्ट्स के अनुसार नंबर है और नंबरों को देते जाएंगे, यहाँ जो अपना सही है वैसा ही नंबर है, जैसे 100 नंबर का पेपर है आपने लिखा है 4 नंबर क्वेश्चन 4 मिल गए, कई जगह 3 भी मिलेंगे 4 के, सही है, तो कितने नंबर हुए, तो हाईएस्ट नंबर वाले को अपन करेंगे। तो इससे चुनने का एक आधार है, स्कोर कार्ड क्या है, तो ये चुनाव करने का आधार है, जो हम डेयरी पे दूसरी डेयरी से या दूसरी मेला या हाट से लेके पशु आ रहे हैं वहां से हमें सिलेक्शन करना है, तो किस बेस पर करेंगे, स्कोर कार्ड के आधार पर करेंगे, किसके स्कोर पर, जैसे आपको नौकरी के लिए चुनना है तो अंक सूची के आधार पर सिलेक्ट करेंगे, जिससे पशु दुग्धशाला के पशुओं की, किसके लिए दुग्धशाला यानी हमने डेयरी खोली थी वहां के लिए पशुओं की शरीर बनावट का चित्रण विवरण रहता है, चित्र रहता है उसका, प्रत्येक अंक का एक आपेक्षिक महत्व अंकों द्वारा निश्चित करते हैं कि यदि ऐसा चेहरा है सुंदर है तो इतने नंबर, उसका अयन विकसित है तो इतने नंबर, सब नंबर निश्चित रहते हैं, तो आपेक्षिक कैसे होते हैं, महत्व अंकों द्वारा प्रकट किया जाता है, ठीक है, तथा कुल मिलाकर इसमें 100 अंक होते हैं, कुल मिला कितने होते हैं 100 अंक होते हैं, पेपर कितने नंबर का आएगा, जैसे 100 नंबर का, तो 100 में से परसेंटेज क्लियर बन जाता है। अब आता है इसकी विधि या सावधानी क्या है, इसकी विधि क्या है, कैसे हम लेंगे और स्कोर कार्ड को बनाएंगे कैसे और बनाते समय क्या सावधानियां रखना है, ठीक है, तो देखिए आगे। स्कोर कार्ड का प्रयोग करने से पूर्व निर्णायक को पशु की नस्ल की जानकारी भली भांति होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भली भांति होना चाहिए, जैसे जो स्कोर कार्ड बना रहा है, जैसे मान लो मैं बना रहा हूँ तो मुझे पूरी नॉलेज है पशु की, पूरी आंतरिक शरीर की हड्डियों की भी है बाहर के शरीर की भी है, जैसे लोग बात कहते हैं कि किसी की नाक पतली है तो वो तेज होता है, सही है ना, किसी के होंठ पतले होते हैं वो तेज बोलता है, तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही पशुओं में कौन सा शरीर का अंग कैसा है इस आधार पर अपन भली भांति उनको नंबर देते हैं। तो नस्ल की जानकारी उसको होना चाहिए, जैसे मैंने बताई गोट ऐसे तो ऐसा होना चाहिए, तो मुझे उसकी जानकारी है तो मैं ये कौन है स्कोर कार्ड बनाने वाला, तो स्कोर कार्ड का निर्णय जो मैं निर्णय लूंगा वो कैसा होना चाहिए, नस्ल की जानकारी रखता हो, नस्ल की जिसको जानकारी नहीं वो नंबर कहाँ से देगा। अब आता है निर्णायक के मस्तिष्क में एक आदर्श पशु का चित्र होना चाहिए, मान लो मैं ही एक निर्णायक हूँ तो मेरे दिमाग में यार ऐसी गाय होती तो इसको 20 नंबर मिलते, उसके आयन ऐसे होते यानी और ही इतनी होती तो उसके 20 हैं तो उसमें से कितने नंबर देंगे, अक्सर कितने होते हैं 34-35 नंबर होते हैं और ही के। अब हम देख रहे हैं और ही विकसित है जैसे मैंने देखी है वैसी है तो 35 नंबर दे देंगे, नहीं है तो हम उसको 30 नंबर 28 नंबर देंगे, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब देखें पशुओं के अच्छे और बुरे, पशु का अच्छे और बुरे का गुण यानी 60% वाला पशु है और एक 90% वाला पशु है, तो 90 अंक जिसके आ रहे हैं वो अच्छा माना जाएगा और जिसके कम नंबर आए हैं उसको उसकी तुलना में अच्छा नहीं माना जाएगा। तो अच्छे बुरे गुणों का थोड़े ही समय में क्या हो जाता है परखने एवं निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है स्कोर कार्ड से। निर्णायक में इतनी योग्यता होनी चाहिए
कि वह अपने निर्णय के कारण पशु की तुरंत पुष्टि कर ले कि जे सही है और जे सही नहीं है। निर्णायक की इस कार्य में विशेष रुचि होना चाहिए, नहीं सर मैं बताता हूँ अभियान, दो मिनट रुको, ऐसा नहीं होना चाहिए यार वो तुम देख लो जे ठीक है, ऐसी बात करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो निर्णायक को अपने निर्णय में दृढ़ होना चाहिए, है ना। निर्णायक अनुभवी चतुर होना चाहिए, अनुभवी का मतलब उसने कई बार निर्णय लिए हो और वह चतुर का मतलब है उसकी पूरी जानकारी हो। तो कुल मिला के ये है, 100 नंबर का यदि स्कोर कार्ड बना रहे हैं हम लोग तो उसमें बनाने वाला कौन है, निर्णायक। तो निर्णायक के गुण क्या होने चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आप याद रखने के लिए याद रखना कि यदि हम लोग कभी भविष्य में डेयरी निकालेंगे और पशु लेने जाएंगे तो धाकर सर को ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी है, वो हमारे निर्णय के लिए अच्छे हैं या पशु खरीदने के निर्णय अच्छा लेंगे और वो जो बताएंगे वो हम लोग ले आएंगे तो सही निकलेगा पशु। जैसे आपकी सगाई होगी, क्या होगी, जैसे आपकी सगाई होगी तो बुआ फूफा को भेज देंगे, चले जाओ तुम्हें, तो वो निर्णय कह देंगे, बुआ ने कह देंगे लड़की अच्छी है कर लो ब्याह, या फिर फूफा ने कह दी नहीं लड़का हम देखे बढ़िया है कमा हुआ सुंदर है हाँ सब कर दो ब्याह, तो उनके निर्णय पे हम लोग बच्चा ले लेते हैं या बच्ची दे देते हैं, ये सब बातें होती हैं। उसी प्रकार से निर्णायक होता है किसको, पशु के जांच की निर्णय लेने में। तो ये सावधानियां हमें निर्णायक को रखना है, यदि ये सावधानियां रखेगा तो वो सही चुनाव कर पाएगा। अब आता है बैल या सांड के गुणांकन पत्र का वर्णन। ये वैज्ञानिकों ने बना दिया है, क्या कर दिया है, वैज्ञानिकों ने बना दिया है इसको कि किस बॉडी के कितने पार्ट्स होंगे। तो हाँ यहाँ देख रहे हैं बैल या सांड को शरीर में कितने नंबर मिलते हैं, तो ये तो पेपर है, ठीक है, क्या है, पेपर है। यहाँ पर उत्तर हम रखेंगे प्राप्तांक, यहाँ पर उत्तर भर देंगे, क्या भर देंगे, उत्तर भर देंगे कि अब मेले में गए हम लोग, मुझे लेके गए तो मैं क्या करूँगा, वहाँ देखता रहूँगा कि कौन सा वाला पशु है, तो तीन चार पशुओं का स्कोर कार्ड बना लूँगा, जिसके हाईएस्ट नंबर आएंगे उसको चुन लेंगे हम लोग, तो निर्णय सही बैठेगा। तो देखो यदि हम लोग देख रहे हैं बैल या सांड देख रहे हैं तो उसकी सामान्य स्वरूप यानी उसके चारों तरफ घूम फिर के देख लेंगे कि उसमें टांगों में कोई टेढ़ापन तो नहीं है, कान कटा तो नहीं है, पूंछ टूटी तो नहीं है, आँख से एड़ा वेड़ा केड़ा तो नहीं है, सही है। तो ये सब उसके 10 फुट दूरी से राउंड लगा के देख लेंगे, पशु से 10 फुट दूर खड़े हो जाएंगे फ्रंट राउंड लगा के देखेंगे तो उसका पूरा फेस सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसको यदि सब कुछ सही है तो 20 नंबर होना चाहिए। सिर गर्दन को कितने देंगे, 20 नंबर। अगले धड़, अगला धड़ वो होता है जैसे ये वाला, ये तो ये अगला धड़ माना जाएगा, है ना, क्या माना जाएगा, अगला धड़ माना जाएगा। और ये है पिछला धड़, कौन सा है, पिछला धड़। तो ये पिछला धड़ है और ये है अगला धड़, कौन सा है, अगला धड़। तो अगले धड़ को कितने नंबर मिलना चाहिए, 20। शरीर को, शरीर यानी पूरा कहीं से फूला हुआ तो नहीं है, एकदम कैसा है, स्लिम है, जैसे अभी कहते हैं ना कि 25 साल का लड़का है और बहुत सुंदर है ऊपर से नीचे तो एकदम कैसा है, फिट है। अब वही बात मेरे पे देख लो, तो मेरा फिट के जगह पेट निकला है तो फिट नहीं हूं मैं। तो यहाँ बात कह रहे हैं हम लोग, क्या बात कह रहे हैं कि शरीर को 15 नंबर दिए जाते हैं, अब मुझे क्या नंबर मिलेंगे इसमें से, 10 नंबर, 5 कट जाएंगे, पेट 5 नंबर का बड़ा है, ये कम नंबर हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से पिछला धड़ देखेंगे हम, ये वाला, तो पिछला धड़ को कितने मिलेंगे, 20 नंबर, और कार्य क्षमता को कितने मिलेंगे, 5 नंबर। यानी आलसी नहीं होना चाहिए, कार्य करने की क्षमता उज्जवल होना चाहिए, फटाक से आवाज लगाई नहीं कि काम पे शुरू। तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं इसके, तो ये नंबर एक ग्रुप में है, ये सही है, सामान्य स्वरूप में सबके अलग अलग, एक नंबर जैसे सिंह को उदाहरण के तौर पर, एक नंबर कान को, एक नंबर आंख को, सब मिला के 20 हो जाएंगे सामान्य स्वरूप, सही है, ऐसे है। तो यहाँ पर मैंने एक एक नंबर में दिया है, टोटल नंबर देते गए और टोटल नंबर जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 100 हो गए। ये तो हो गए बैल या सांड के लिए। अब ये आ गए ओसर या बचिया। ओसर क्या होता है, बचिया क्या होती है, तो ओसर या बचिया का मतलब है सीधा सीधा कि गाय या माँ का दूध छोड़ने के बाद से लेकर के गर्भवती होने तक की अवस्था, ब्याने के बाद वो गाय हो जाएगी, बचिया नहीं बचेगी, ठीक है। बचिया वह होती है दूध छोड़ने से प्रथम ब्याज से पहले की अवस्था, ठीक है। इसमें यदि ओसर या बचिया है
तो सामान्य स्वरूप को 18 नंबर मिलेंगे, सिरगर्दन को साइंटिस्टों ने 9 नंबर दिए, अगले पैर को 7 नंबर दिए, शरीर को 23 नंबर दिए, पिछले पैर को 12 नंबर दिए, आयन का बढ़ाव, आयन नहीं जानते होंगे तो आयन का मतलब ये, तो इसमें थन लगे होना चाहिए, क्या थन लगे होना चाहिए, पर समान होना चाहिए। और उसकी जो टांग है वहाँ से हम देखेंगे दोनों टांगों के बीच में, जैसे ये पिछली टांग है और ये अगली टांग है, तो दोनों टांगों के, ये दोनों टांगों के बीच में जो जगह होती है पिछले तक, दोनों पैरों के बीच तक ये घुमाव होना चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं आयन। तो आयन कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब हम लोग इस स्कोर कार्ड को लेके जाएंगे मेले में, अब इस स्कोर कार्ड को मेले में लेके जाएंगे, क्या होगा, इस स्कोर कार्ड को मेले में लेके जाएंगे तो अब हम इसको लेके खड़े जाएंगे, तो सामान्य स्वरूप देखेंगे, यदि बिल्कुल जैसे हमें पता है सुंदर है तो हम इसको 20 नंबर दे देंगे, वो 18 नंबर है तो 18 दे देंगे, यदि थोड़े बहुत कम ऐसा लग रहा है कुछ जैसी सुंदर नहीं है तो हम इसको 16 नंबर दे देंगे, ठीक है। सिरगर्दन कैसे हैं, अच्छे हैं तो उसको 9 नंबर दे देंगे, नहीं खराब हैं तो हम 8 नंबर दे देंगे, अगले पैर बिल्कुल सही हैं तो 7 नंबर दे देंगे, शरीर गठन बिल्कुल सही है तो उसको 23 नंबर दे देंगे, यदि खराब है तो उसको 20 नंबर दे देंगे, सही है। पिछले पैर एकदम सही हैं तो इसे 12 दे देंगे, खराब हैं थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं तो 10 नंबर दे देंगे, तो कुछ नंबर कटते चले जाएंगे। आयन का बढ़ाव कितना है, 34 है तो हम लोग उसको कितने नंबर दे देंगे, 34, और खराब है तो उसको क्या दे देंगे, 34 से कुछ कम दे देंगे, क्या कर देंगे, 34 से हम कम दे देंगे, तो कम वाले को जोड़ लेंगे, और ये तो 100 होने ही होने हैं, तो कम वाले को जोड़ लिया, मान लो हमने जोड़ लिया तो कितने नंबर आए, 90। दूसरी ऐसी एक के निकाल लिया, अब ऐसे ही हम लोग दूसरे के निकालेंगे उसके 85, तो अब डेयरी के लिए कौन सी चुन के लाओगे, आप कौन सी चुनेंगे, 90 वाली को चुनेंगे, ये है इसका सिस्टम, ठीक है। तो स्कोर कार्ड किसी पशु को चुनने का एक आधार है, कहाँ से चुन के ला रहे हैं, मेले से, कहाँ के लिए, डेयरी के लिए, या दूसरी डेयरी से अपनी डेयरी पर लाना चाहते हैं, तो ये है, है ना, तो ये वाला प्रश्न क्लियर हुआ आपका, नंबर के आधार पर चुनेंगे, सकल के आधार पर नहीं। अब आता है ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, गाय के मध्य काल में आने के लक्षण, मध्य काल क्या होता है, इसे गांव में गर्मी में आना भी बोल सकते हैं, या हीट पीरियड, क्या बोलेंगे, हीट पीरियड का मतलब उसके शरीर के अंदर पेट में क्या आ जाएगा, गर्भाशय में अंडा आ जाएगा, और वो ये कहेगा कि मुझे गर्भ धारण करना है और मेरे को आगे वंश बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा करना है, तो उसकी बॉडी में से हार्मोन स्रावित होंगे, वो टॉयलेट के रूप में बाहर निकलेंगे, तो टॉयलेट में से गंद आना शुरू हो जाएगी, टॉयलेट की जगह पे जलन पड़ने लगेगी, टॉयलेट की जगह में लालपन आ जाएगा, बार बार टॉयलेट आएगी, है ना, और वो बेचैनी रहेगी, तो वो इधर इधर वो देख रही होगी तो वो बेचैनी नजर आती है स्पष्ट, और खूंटे के चक्कर लगाएगी, बैठेगी नहीं, बार बार आवाज लगाएगी, क्या करेगी, बार बार आवाज लगाएगी और नर को बुलाएगी, इसके लिए गर्भ धारण करो जिससे अपने बच्चे आगे हो जाएं, तो बच्चे या वंश बढ़ाने के लिए वह गर्मी में आती है और उसके बाद नर से मिलकर के वो गर्भवती हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से अपन लोग मिर्च टमाटर का किसी का पेड़ लगा देते हैं, उम्र होते ही फूल आ जाते हैं, और फूल आने के बाद उसके लगता है कि मेरी उम्र आगे चल के खत्म हो जाएगी, तो फूल में वो प्रजनन करा करके और वो फल बना देता है, और फल में जो बीज निकलता है वो आगे का वंश बढ़ा देता है। ठीक उसी प्रकार से सभी जीवों में ये नेचर होता है कि अपना वंश बढ़ाना है, तो हमारे अंदर भी यही है, हमारी उम्र हो गई, शादी लायक हो गए, तो अब पिताजी सोच रहे हैं कि मेरी उम्र तो 40-50 हो गई, बेटे का क्या कर देते हैं, अगला संबंध करा देते हैं, बेटे का बेटा हो जाएगा तो एक नई पीढ़ी बन जाएगी, हम रिटायर हो जाएंगे। ठीक तो उसी प्रकार से यहाँ सिस्टम है सेम, तो गर्मी में आने के लक्षण क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे भी आ सकता है ना कि गाय के हीट पीरियड के बारे में बताओ, गाय गर्मी में आते समय क्या बॉडी लक्षण प्रकट करेगी, जैसे हमारे को जुकाम हो जाता है और खांसी होती है तो खुल, तो ये शरीर में बीमारी के लक्षण है। उसी प्रकार से जब गाय के अंदर बच्चा धारण करने की क्षमता आ जाती है, उसे क्या कहेंगे और कैसे पहचाना है कि ये गर्मी गर्भित होना चाहती है, तो पशु बेचैन रहता है, सीधी बात है, शरीर में हार्मोन्स जब शरीर में काम करते हैं तो शरीर में बेचैनी आने लगती है, जबकि गाय नहीं जानती, मुख्य काम कौन करता है, हार्मोन, क्या करते हैं, हार्मोन, शरीर में उम्र होते ही हार्मोन्स विकसित हो जाते हैं और वही गर्भ धारण करने के लिए आगे का वंश बढ़ाने की सूचना देते हैं। तो हाँ, पशु बेचैन रहता है, खूंटे के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है,
पशु बार बार पेशाब करता है। पेशाब क्यों करेगा? क्योंकि उसके टॉयलेट्स में बार बार हार्मोन्स ज्यादा से ज्यादा निकलें और उस एरिया में फैल जाएं, और उस एरिया से गंध जाएगी हवा दूर दूर तक, वहां सांड सूंघ लेंगे, नर सूंघ लेंगे। तो आपने देखा होगा अक्सर का कोई गाय खड़ी होती है तो नर आता है सांड आता है तो उसकी टॉयलेट की जगह सूंघता है और फिर वो यूं करता है ऐसे ऐसे। तो वो इसलिए करता है कि हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो प्रजनन के लिए चढ़ेगा, और हार्मोन एक्टिवेट नहीं हुए तो वो उसके साथ घास खाने लग जाता है। तो ये फर्क होता है। तो यहाँ देखेंगे पशु बार बार पेशाब करता है, उसमें हार्मोन्स आ जाते हैं, जैसे जलन होने लगती है, पशु खाना बंद कर देता है, नर की इच्छा करने लगता है, पशु बार बार रमाता है, रमा का मतलब होता है सीधा सीधा वो आवाज लगाता है, हाँ, और पशु नर पशु पहचान लेता है और वो आ जाता है। सांड को देखकर मादा पशु क्या हो जाता है? चुपचाप खड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? चुपचाप से खड़ी हो जाती है। मादा पशु दूसरे पशुओं पर चढ़ने के प्रयास करती है, यानी वो कोई भी गाय या बछड़ा या कोई भी सांड होगा उस पर वो चढ़ के बताएगी, ऐसा करो, क्या करो, ऐसा करो, तो वो अपने चढ़ने का प्रयास करेगी। मद्कालम पशु बार बार पूंछ हिलाता है, क्योंकि पूंछ की जगह पर जलन पड़ती है इसलिए वो बार बार पूंछ हिलाता है, और उसमें ये पहचान भी होती है, जैसे मान लो ये पशु का ये है, उसकी जो पूंछ होती है क्या होती है, पूंछ होती है तो लूज, ऐसे लूज लटकी होती है, लेकिन जब वो पशु ऐसा हो जाता है तो ऐसी पूंछ हो जाती है इसकी, टाइट पड़ के यहाँ से ये ऐसे हो, जबकि नॉर्मल में पशु में ऐसे लटकी रहती है पूंछ, लेकिन जब वो इसमें दूर हटा लेती है, कहाँ से, योनी से, कहाँ से हटा लेती है, योनी से दूर हटा लेती है, क्योंकि यहाँ पर जलन पड़ने लगती है और उसकी पूंछ टाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? टाइट हो जाती है ना। बार बार टॉयलेट करके ये पूरे एरिया में क्या फैला देती है? हार्मोन्स फैला देती है। क्या फैला देती है? हार्मोन्स फैला देती है, जिससे नर पशु उत्तेजित तो हो जाते हैं। मदकालम पशु बार बार पूंछ लाते हो गए, योनि से गाढ़ा पीला सा, कैसा? गाढ़ा पीला, गाढ़ा पीला पीला सा लसलसा पदार्थ भी आने लगता है, ठीक है ना, तथा उसका रंग भी कैसा होता है? लाल होने लगता है, सॉरी, लाल पीला सा पानी निकलना प्रारंभ हो जाता है। योनि की कुछ फूल जाती है, यानी योनि का हिस्सा कुछ फूल जाता है हार्मोन से, और उसका रंग भी कैसा हो जाता है? लालिमा ले लेता है, यानी जब अपन किसी खुजा लेते हैं तो हल्का लालपन आ जाता है, तो उसकी बार बार पूंछ के हिसाब से लाल रंग बन जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो अच्छा प्रश्न है और सिंपल से क्वेश्चन से आपने देखा होगा ये प्रारंभिक अवस्था में जो लक्षण मिलते हैं देखने को वो आपके सामने है। जैसे ही गाय को गर्भित हो जाएगी यानी मीटिंग हो जाएगी नर से, उसके बाद वो सांड को पास में नहीं आने जाएगी और सांड से दूर भाग जाएगी, क्योंकि वह उसके बाद इतना दर्द अब सहन नहीं कर पाएगी। चलो ठीक है, अगला प्रश्न आता है गर्भित गाय या भैंस के लक्षण लिखो। तो जब मीटिंग हो गई है, सांड से मिल गई है, तो गाय गर्भित हुई है या नहीं हुई है? तो गर्भित हुई है या नहीं हुई है इसका परीक्षण करना है अब, क्योंकि मीटिंग होने के बाद गाय भाग जाती है, अब भागने के बाद अब वो सांड से अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगी तो हम लोग पता करेंगे कि गर्भित हुई है या वैसे ही भाग के अलग हुई है। तो गर्भित हुई है तो क्या क्या हम लोग परीक्षण कर सकते हैं, उन बातों को ध्यान रखेंगे। नंबर एक, गाय अथवा भैंस पुनः मदकाल में यानी पुनः हीट पीरियड में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी पुनः? क्योंकि जो अंडा था अपना पेट में वो बच्चे में बदल गया, सही है, तो बच्चे में बदलेगा तो 9 महीने तक तो ये आना ही नहीं है, सही है, कितने तक? 9 महीने तक तो करीबन आना ही नहीं है, तो मध्यकाल में पुनः नहीं आती है। क्या नहीं होती? पुनः नहीं आती। गर्भवती पशु का भार और उसका पेट धीरे 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 पेट बढ़ने लगता है, क्योंकि बच्चे की साइज बढ़ने लगती है ना। गर्भवती गाय भैंस शांति धारण ले लेती है, यानी वह पशु अन्य पशुओं से अलग रहना पसंद करती है, कि तुम लड़ पड़े तो मेरा बच्चा मारा जाएगा, इसलिए तुम उधर लड़ो, मैं तो इधर खड़ी हूँ चुपचाप से, ठीक है, क्या है, मैं तो इधर खड़ी हूँ चुपचाप से, तो इस बात को ध्यान रखना होता है। तो वो अपने आप में एक माँ बनने चाहती है तो मातृत्व तो आ जाता है उसके अंदर, तो उसके सारे विचार बदल जाते हैं, पहले वो दौड़ती थी अब नहीं दौड़ेगी, ठीक है, शांति धारण कर लेती है, एकांत स्थान पसंद करती है जहाँ अन्य पशु ना लड़ें, ठीक है, मेरे बच्चे को कोई चोट ना पहुंचे। गर्भवती गाय सांड को पास नहीं आने देगी, क्योंकि अब सांड तेरी जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है। अब आती है लगभग 5 माह जब हो जाते हैं,
उसके पेट में गर्भित पशु का अध्ययन किया अयन जो होता है, तो 5 माह बाद गर्भवती पशु का अयन, अयन तो जानते हैं ना, और ही बोलते हैं हम लोग, इसमें थन लगे थे और जिसमें दूध आने लगता है तो अधिक विकसित होने लगता है, बड़ा होने लगता है। ठीक, लगभग 7 माह बाद गाय की योनि भी बढ़ने लगती है। योनि बोले तो पेशाब करने की जो जगह जहाँ से बच्चा निकलना है वो जगह जो है बढ़ने लगे, इसकी साइज बढ़ जाती है। क्या? साइज बढ़ जाती है और इसके अंदर जो गुण होते हैं, इस जगह की जो सेल्स होती हैं वो रबड़ की तरह होती हैं, लफ जाते हैं, तो जब बच्चा होगा तो लफ जाएंगी और उसके बाद सुकड़ करके अपनी उसी अवस्था में आ जाती हैं। ये होता है इसमें, तो योनि बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। अब आती है लगभग 5.6 माह, यानी 5 से 6 कर लेना इसको, 5 से 6 माह बाद पेट में बच्चे का हिलना डुलना भी दिखाई दे देता है, ये दिखने लगता है। परिलक्षित होने मतलब होता है दिखने लगता है, क्या होने लगता है? दिखने लगता है। तो ये बिल्कुल सिंपल से लक्षण है। तो गर्भवती हो गई है तो ये पेट बढ़ने लगेगा, आयन बढ़ने लगेगा, शांति धारण कर लेगी, सांड को पास नहीं आने देगी, है ना, उसका आयन विकसित होने लगेगा, ये सब, उसकी चाल धीमी हो जाएगी, पहले पहले दौड़ जाती थी अब नहीं है, अब धीरे धीरे चलेगी। तो ये जो है ना बातें अब सब क्या हैं देख रहे हैं, हम अपने समाजों में भी रहते हैं तो जब गर्भित कोई माँ होती है तो उसके लक्षण अलग हो जाते हैं, सही है ना, वही सिस्टम है। तो यहाँ तक आपके ये लगभग क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके बाद जो है ना हम लोग अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है ना।